हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इंस्टाग्राम की स्टोरी के टिप्स एंड ट्रिक्स। जहाँ दोस्तों, अगर आप इन ट्रिक को यूज़ करते हो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है एंड आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो क्या आप इन ट्रिक को जानना चाहते हैं? तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए। एंड दोस्तों, वीडियो को एंड तक पूरा देखना, तभी आपको समझ में आएगा। ट्रिक नंबर वन, दोस्तों नॉर्मली जब हम अपनी स्टोरीज को लगाते हैं इंस्टाग्राम की, यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दिखता है क्लोज फ्रेंड। अब दोस्तों, इसका मतलब क्या है? दोस्तों नॉर्मली जब हम अपनी स्टोरीज को लगाते हैं तो जो हमारे सारे फ्रेंड होते हैं वो देखते हैं, बट आप अगर क्लोज फ्रेंड वाला ऑप्शन यूज़ करते हो तो आपकी स्टोरी वही लोग देखेंगे जिन्हें आप दिखाना चाहते हैं। तो सिंपली मैं आपको बताता हूँ कि आप क्लोज फ्रेंड का ऑप्शन कैसे यूज़ करेंगे। तो आपने अपनी स्टोरी ले ली, सिंपली आपको सेंड टू पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा दो, योर स्टोरी एंड नीचे आएगा क्लोज फ्रेंड। तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है, ठीक है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे उन बंदों को ऐड करना है जिन्हें आप स्टोरी को दिखाना चाहते हैं। सिंपली आप इस प्लस के आइकन पर क्लिक करके आप उस बंदे को ढूंढ सकते हैं जिन्हें आप अपनी स्टोरी दिखाना चाहते हैं, बस। तो आपकी स्टोरी वही देखेंगे। तो सिंपली आपको ऐड पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपको बैक आना है, तो आप देखेंगे यहाँ पे दो बंदे हमारे हो चुके हैं। अब यही दो बंदे हमारी स्टोरी सिर्फ और सिर्फ देख सकते हैं क्लोज फ्रेंड में, ठीक है। तो आप इस तरीके से क्लोज फ्रेंड का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। ट्रिक नंबर टू, अपनी इंस्टाग्राम की पोस्ट में, अपनी फ़ोटो में सॉन्ग कैसे लगाएं। तो सिंपली यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा इमोजी का, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको थोड़ा नीचे यहाँ देखेंगे पे लिखा है म्यूज़िक, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे म्यूज़िक देखने को मिल जाएंगे, तो आप उन म्यूज़िक को ऐड कर सकते हैं। तो मैं सिंपली कोई एक म्यूज़िक ले लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो मैंने इस म्यूज़िक को ले लिया है, तो मैंने यहाँ पे म्यूज़िक को ले लिया। अब दोस्तों यहाँ पे आप लिरिक्स वगैरह सॉन्ग को आगे पीछे एडिट करके लगा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप जो टेक्स्ट आ रहा है आप इसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं, ब्लैक हो गया, ये देखिए आप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अपने फ़ॉन्ट को भी चेंज कर सकते हैं, अगर आपको फ़ॉन्ट को लगाना है तो लगा सकते हो ना, आप हटा भी सकते हैं। तो इस तरीके से अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी में, अपनी पोस्ट में सॉन्ग को लगा सकते हैं। तो ट्रिक नंबर दो दोस्तों ये थी। ट्रिक नंबर थ्री, अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी में अपने फ्रेंड को ऐड कैसे करें। अक्सर दोस्तों हम कोई पोस्ट क्लिक करते हैं, हम चाहते हैं अपने उस फ्रेंड को भी ऐड करें अपनी जो हमने स्टोरी लगाई है उसके साथ। तो सिंपली यहाँ पे आपको इमोजी वाले आइकन पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देगा मेंशन का, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे आप अपने फ्रेंड के जो आईडी है उसे यहाँ पे टाइप कर देना। तो सिंपली अपने फ्रेंड की आईडी यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरा फ्रेंड आ चुका है, तो मैं सिंपली इसको यहाँ पे टैग कर देता हूँ। आप ऐसे ही कितने ही बंदों को यहाँ पे टैग कर सकते हैं, ठीक है, जो आपका फ्रेंड है आप अपनी स्टोरी में से टैग कर सकते हैं। तो ट्रिक नंबर थ्री दोस्तों ये थी। ट्रिक नंबर फोर, अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी में, अपनी पोस्ट में लोकेशन को टैग कैसे करें। या दोस्तों अक्सर क्या होता है, हम किसी अच्छी जगह घूमने जाते हैं, हम चाहते हैं उस लोकेशन को भी टैग कर दें। तो सिंपली आपको क्या करना है, इस इमोजी वाले आइकन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सबसे ऊपर एक ऑप्शन दिखेगा लोकेशन का, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे अपनी लोकेशन को टाइप कर देना, आप जिस भी जगह घूमने गए हो। तो सिंपली जैसे मैं दिल्ली का लोकेशन यहाँ पे मतलब डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिल्ली आ गया, तो मैं सिंपली दिल्ली पे क्लिक करके एंड देखिए दोस्तों हमारा लोकेशन यहाँ पे आ चुका है। तो आप इसी तरीके से अपनी पोस्ट में लोकेशन को ऐड कर सकते हैं। तो ट्रिक नंबर फोर दोस्तों ये थी। ट्रिक नंबर फाइव, अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी को डिलीट कैसे करें। जी दोस्तों, अक्सर क्या होता है कि गलती से हम कोई स्टोरी लगा देते हैं, हम चाहते हैं उसे डिलीट कर दें। तो डिलीट कैसे करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ। तो सिंपली आपको करना कि आपको अपनी स्टोरी पे क्लिक करना है। स्टोरी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको नीचे दिखेगा थ्री डॉट का ऑप्शन, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। आप यहाँ देखेंगे तो आपको टॉप पर ही डिलीट का ऑप्शन दिख जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है एंड आपको डिलीट कर देना है। तो देखिए दोस्तों, जो हमारी स्टोरी है वो डिलीट हो चुकी है।